डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो गिवन है लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, डिफाइन डी एक्स क्रॉस एक्स इन आर बाय डी एफ एक्स वाई, यानी मैपिंग गिवन हमारे पास डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो तब होगा जब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और वन तब होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा, और ये एक्स वाई बिलोंग करते हैं एक्स में। सो हम इसको वन बाई वन जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी मैट्रिक्स स्पेस की उनको प्रूव करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारे पास है d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो हमें पता है कि हमारे पास जो गिवन है d ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल गिवन है जीरो के और वन के, अगर हम इसमें जीरो पुट करते हैं जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है ट्रू है, और अगर हम वन पुट करते हैं वन तो वन हमारे पास क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी सेटिस्फाई करता है, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो है और यहाँ वन ग्रेटर देन जीरो है। सो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है ट्रू, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग इन एक्स। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये एक्स और वाई बिलोंग करते हैं एक्स में। सो हमारे पास जो गिवन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी हमारे पास ये गिवन है तो ये हमें सॉल्व करने का भी जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे गिवन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो ये हमारे पास भी ट्रू होगी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास ट्रू होगी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है सिमेट्रिक वाली, इसमें लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। सो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास ये सिमेट्रिक वाली है। सो जो हमारे पास गिवन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन, हम यहाँ लिख देते हैं सिंस डी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो डी ऑफ वाई एक्स विच इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी जब एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस जीरो होगा तो वाई से लेके एक्स तक का डिस्टेंस भी जीरो ही होगा, यानी मतलब जो हमारे पास गिवन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो तो हम इसको कह सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा हमारे पास ऑल्सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड डी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू y, यानी कि जब x से लेके y तक का डिस्टेंस 1 है तो y से लेके x तक का डिस्टेंस भी 1 होगा। सो हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई है d ऑफ x y इज इक्वल टू d ऑफ y x फॉर ऑल x y बिलोंग इन x, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू होगी। सो हम इसके फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइंगुलर इनक्वालिटी वाली पी ऑफ एक्स सी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, इसको हम करेंगे इसको हम डिस्क्रीट में हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है और डी एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन है। सो हम यहाँ पर थोड़े केसेस करेंगे, इसमें हमारे पास फोर केसेस होंगे, हम वन बाय वन केस करेंगे इसमें। अब हम केस वन करते हैं इसमें, सबसे पहले केस वन में क्या होगा हमारे पास वन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी, मतलब कि हमारे पास जो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा डी ऑफ
एक्स जी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और डी ऑफ वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। सो अगर ये वैल्यू जो हमारे पास आएंगे ज़ीरो 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 इन्हें हम पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो प्लस नॉट इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू वहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा इस केस में, केस वन हमारे पास ट्रू हो जाएगा ये। अब हम केस टू देख लेते हैं। केस टू में क्या होगा, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जी, मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू जी और वाई इज इक्वल टू जी, मतलब ये हो जाएगा इसमें। सो यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन, डी ऑफ वाई जी विच इज इक्वल टू ज़ीरो, डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू वन, यानी कि नॉट इक्वल टू वन आ जाएगा और इक्वल वाला इसमें ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, सही है। और ये वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें ट्राइंगल और इनइक्वालिटी में, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स जी हमारे पास क्या, वन वन लेस देन और इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो, वन इज इक्वल टू वन, ये भी हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू। अब हम केस थ्री देखेंगे इसमें। केस थ्री में हमारे पास क्या होगा, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन होगा हमारे पास, डी ऑफ वाई जी इक्वल टू वन होगा, डी ऑफ हमारे पास क्या लगे हैं एक्स जी, ये भी हमारे पास हो जाएगा वन हो जाएगा, नॉट इक्वल टू है ना, इसलिए वन हो जाएगा सामने, ये वन 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 जिस जब वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे ट्राइंगल और इनइक्वालिटी में, हमारे पास क्या आ जाएगा, वन लेस देन और इक्वल टू वन प्लस वन, सो वन लेस देन है टू से, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, ट्रू। थ्री केसेस हमने कर लिए हैं ट्रू। अब लास्ट केस देखते हैं, केस फोर हमारे पास है व्हेन एक्स इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जी, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, एक्स नॉट इक्वल टू जी एंड वाई नॉट इक्वल टू जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर ये इसमें अब क्या होगा हमारे पास कि डी ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, डी ऑफ वाई जी इज इक्वल टू हो जाएगा वन हो जाएगा, और डी ऑफ एक्स जी हमारे पास हो जाएगा वन नॉट इक्वल टू, तो वन हो जाएगा। ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं वन ज़ीरो वन वन, जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, सो वन इज इक्वल टू वन, ये भी हमारे पास क्या हो गया है, ट्रू। सो हम यहाँ पर लिख देंगे देयर फोर, देयर फोर इन ऑल द केसेस, ऑल द केसेस द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, लिख लेते हैं ट्राइंगुलर inequality holds, यानी सारी जो केसेस हैं वन टू थ्री फोर वो होल्ड कर रहे हैं। सो लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस एक्स कॉमा टी इज ए मैट्रिक्स स्पेस, या इसको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं, सही।